हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये प्रश्न है ये तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो है वो पूरा देखना और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है देखो, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक PS8 एजुकेशन 2010 दिनांक 27 सितंबर 2010 की अनुपालना में मंडल कौन कौन सी कक्षाओं की पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन करेगा। तो दोस्तों समझ में आ गया, तो दोस्तों मंडल है वो कौन कौन सी कक्षाओं की पुस्तकों का मुद्रण व प्रकाशन करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा 9 से 12 तक, ठीक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो इसमें मंडल के द्वारा प्रतियोगिताओं व प्रतिभा प्रोत्साहन की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों कब की गई, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1998 में की गई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में पाठ्य पुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, क्या होगा। वर्तमान में पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है आपको कमेंट में बताना होगा दोस्तों, ठीक है। 4 ऑप्शन है, घनश्याम तिवाड़ी, वासुदेव देवनानी, डॉक्टर विनोद शर्मा और प्रोफेसर एन के पांडे, और 4th नंबर का होगा दोस्तों इसमें गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। तो ये बताना है अपने को, सॉरी 5वां नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों डाइट का है वो पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये दोस्तों डाइट का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य हैं। तो जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। तो देखो जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना, सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ठीक है। तीसरा है, शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। और 4th है दोस्तों उपरोक्त सभी, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में कुल कितनी डाइट स्थापित की गई है। तो दोस्तों राजस्थान में टोटल है 33 जिलों में 33 डाइट स्थापित की गई है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रत्येक डाइट में कितने प्रभाग हैं। तो प्रत्येक डाइट की अगर बात करें तो दोस्तों प्रत्येक डाइट में 8 प्रभाग हैं। कितने प्रभाग हैं, 8 प्रभाग हैं। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1985 में की गई थी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कुल विभाग हैं। तो कुल विभाग की अगर मैं बात करूँ तो कितने हैं, तो वो 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखो PSTE, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है IFIC, तीसरा है DRU, 4th है P&M और 6th है WE, ठीक है। और दोस्तों ET, CD, CMDE, ठीक है, और प्रशासनिक शिक्षा विभाग, ये टोटल दोस्तों 8 है इसमें प्रभाग हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है। तो डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। तो देखो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है दोस्तों CREAT, ठीक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई। तो दोस्तों किस संस्था की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों NOEPA, ठीक है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा स्काउटिंग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो दोस्तों किस वर्ष में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1907 में की गई थी, दो नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया में विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों दुनिया में विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी तिथि को, चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, 22 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व स्काउटिंग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए स्काउटिंग नामक संस्था का सूत्रपात कब हुआ था? तो दोस्तों सर्वप्रथम यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए स्काउटिंग नामक संस्था का जो सूत्रपात हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1909 में, एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो भारतीय छात्र स्काउट संस्था की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी, तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी भारतीय छात्र स्काउट संस्था की स्थापना 1915 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो भारत में स्काउट गाइड संघ की स्थापना की गई थी, तो भारत में स्काउट गाइड संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों 1940 में की गई थी, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एवं गाइड विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों स्काउट एवं गाइड विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है राष्ट्रपति पुरस्कार, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार रहो किसका प्रेरणा स्पर्द आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों किसका प्रेरणा स्पर्द आदर्श वाक्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्काउट या गाइड का, ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्काउट गाइड संस्था के संरक्षक हैं, तो कौन है दोस्तों भारत में स्काउट गाइड संस्था के संरक्षक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति है, ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सावधान कोई आदेश मिलने वाला है इसके लिए स्काउटों के द्वारा बजाई जाती है, तो दोस्तों क्या बजाई जाती है, दोस्तों एक लंबी सीटी बजाई जाती है, ठीक है, तो इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में स्काउटों का चिन्ह है, तो दोस्तों विश्व में स्काउटों का जो चिन्ह है वो क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें कमल, ठीक है, कमल है वो दोस्तों विश्व में स्काउटों का चिन्ह है, एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ई मित्र कियोस्क की संख्या लगभग है, तो दोस्तों राजस्थान में ई मित्र कियोस्क की संख्या लगभग है तो कितनी है, तो वो है दोस्तों 552, कितनी है 552, दो नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र कार्यक्रम संबंधित है, तो दोस्तों ई मित्र कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों सूचना एवं प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है ई मित्र कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ई मित्र द्वारा संचरित सुलभ सेवाएं हैं, निम्न में से ई मित्र द्वारा संचरित सुलभ सेवाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखो बिजली बिलों का भुगतान करना, राशन कार्ड जारी करना, जाति एवं आय प्रमाण पत्र जारी करना, तो ये सभी हैं ये दोस्तों ई मित्र द्वारा सुलभ सेवाएं हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ई मित्र कियोस्क सेवा का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों ई मित्र कियोस्क सेवा का जो शुभारंभ है वो दोस्तों सन 2002 में हुआ था, ठीक है, और तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 15 अगस्त 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों ये शुभारंभ किया गया था, ठीक है, तो एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का श्री गणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 15 अगस्त 2002 को, एक नंबर का ऑप्शन इसका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सन 2004 में ई गवर्नेंस का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए किसके नेतृत्व में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो दोस्तों, ई गवर्नेंस का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए किसके नेतृत्व में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई ग्राम परियोजना का संबंध है, तो ई ग्राम परियोजना का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है, तो वो है ग्रामों से। ठीक है, तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण स्तर पर आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है ई ग्राम का। नेक्स्ट है, राज्य में स्थापित टेलीमेडिसिन तंत्र का संबंध है, तो दोस्तों राज्य में स्थापित टेलीमेडिसिन तंत्र का संबंध है तो वो किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखो, राज्य में ई संचार का संबंध है, तो दोस्तों राज्य में ई संचार का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों पेंशनर से संबंधित है दोस्तों ई संचार का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखो दोस्तों, ई मित्र परियोजना सार्वजनिक निजी सहभागिता से राज्य के कितने जिलों में संचालित है, तो दोस्तों टोटल 33 जिलों में संचालित है। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आरोग्य ऑनलाइन का संबंध है, राज्य में आरोग्य ऑनलाइन का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किससे, अस्पतालों से है। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नॉलेज कॉरपोरेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, तो दोस्तों राजस्थान में नॉलेज कॉरपोरेशन सेंटर कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजकीय महाविद्यालयों में। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेवा केंद्र को किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों राजीव गांधी सेवा केंद्र को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किस रूप में, तो वो है ग्रामीण क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेवा केंद्र को किस से वित्तीय मदद मिलती है, तो किससे वित्तीय मदद मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किससे वित्तीय मदद मिलती है, तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों देखो नाबार्ड से, NREGS से, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी से दोस्तों इनको वित्तीय मदद मिलती है। नेक्स्ट है, ई प्रशासन के लाभ हैं, तो दोस्तों ई प्रशासन के क्या लाभ हैं, तो देखो सरकार व जनता के मध्य की कड़ी है वो ई प्रशासन के लाभ से संबंधित है, तो इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी है, तो दोस्तों ज्ञानवाणी क्या है, तो ये एक दोस्तों शैक्षिक FM चैनल है ज्ञानवाणी। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो देखो भारत में रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में दोस्तों रेडियो प्रसारण सेवा की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1920 के दशक में हुई थी। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में रेडियो द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम है, देश में रेडियो द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रभावी। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के कितने शहरों में वर्तमान में ज्ञानवाणी FM चैनल प्रसारित है, तो दोस्तों देश के कितने शहरों में वर्तमान में ज्ञानवाणी FM चैनल प्रसारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 40। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी चैनल के प्रसारण का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो दोस्तों ज्ञानवाणी चैनल का जो प्रसारण का दायित्व है वो किसे सौंपा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन चैनल का प्रसारण किन भाषाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन चैनल का प्रसारण है वो किन भाषाओं में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ये अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, इन तीनों भाषाओं में किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो ज्ञानवाणी FM चैनल का कवरेज क्षेत्र कितने किलोमीटर तक है? तो कितने किलोमीटर तक है? तो दोस्तों 60 किलोमीटर तक है इसका कवरेज क्षेत्र, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानवाणी चैनल का प्रथम प्रसारण किस दिन किया गया है? तो दोस्तों ज्ञानवाणी चैनल का प्रथम प्रसारण है वो किस दिन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है 7 जुलाई 2003 को किया गया था दोस्तों, ठीक है, 7 जुलाई 2003 को 4 बजे पर हुआ था दोस्तों, शाम के 4 बजे इस चैनल का प्रसारण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से ज्ञान दर्शन है? तो दोस्तों निम्न में से ज्ञान दर्शन है वो क्या है? तो ये दोस्तों शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है ज्ञान दर्शन, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो देश में दूरदर्शन का पहला प्रसारण है वो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 15 सितंबर 1961 को हुआ था दोस्तों, 15 सितंबर 1959 को हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें, 15 सितंबर 1959 को देश में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन नामक दूरदर्शन प्रसारण सेवा का शुभारंभ किसके तत्वाधान में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सामान्यतः देश में पब्लिक स्कूल किसके लिए है? तो दोस्तों सामान्यतः देश में पब्लिक स्कूल किसके लिए है? तो ये दोस्तों अभिजात वर्ग के लिए है, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में आदर्श स्कूल योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों देश में आदर्श स्कूल योजना है ये कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कब शुरू की गई, तो सन 2008-2009 में की गई, 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श स्कूल योजना की देश में क्रियान्विति की गई, आदर्श स्कूल योजना में देश की क्रियान्विति की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सन 2009-10 में की गई, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक विकास खंड पर आदर्श स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों देश के प्रत्येक विकास खंड पर आदर्श स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1, ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श स्कूल खोलने के वास्ते विशेष श्रेणी के राज्यों व केंद्र सरकार के मध्य खर्च का अनुपात क्या रहेगा? तो दोस्तों या को क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 90:10, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, इसमें दोस्तों कम से भी कम 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको जरूर, 6 या 7 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी कि कम से कम भी दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको इस 50 क्वेश्चन के अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे 15 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपनी जो क्लास है वो समाप्त हो चुकी है। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।